नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। गूगल ने घोषणा की है कि लॉक्ड फीचर इन फोटोज जल्द ही सभी एंड्रॉइड डिवाइस पर मिलने लगेगी। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार ये फीचर विशेष रूप से जून में नए पिक्सल फोन पर जारी किए गए थे। गूगल ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया है कि इस फीचर को सभी स्मार्टफोन में कब तक रोल आउट किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने जल शक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में विभिन्न पदों के लिए आवेदन की मांग की है। उम्मीदवार ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2021 है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाउंडेशन जून 2021 परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपने परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 28 सितंबर से राजधानी के पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनाने में मदद करने के उद्देश्य से देशभक्ति करिकुलम लागू करने जा रही है। देशभक्ति करिकुलम छात्रसाल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जान जाने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में सीबीआई के ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को ही तहरीर बनाया है। ये एफआईआर अमरगिरी पवन महाराज ने दर्ज कराई थी। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पीएम केयर्स फंड एक सरकारी फंड नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत में समेकित कोष में नहीं जाती है। ये जानकारी इंडिया लीगल लाइफ के हवाले से मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सचिव के तहत दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि ट्रस्ट के कामकाज में किसी भी तरह से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होगा। बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा करने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत की गई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने शुक्रवार को कहा कि उसने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नौसेना एकेडमी परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने हेतु महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम के तहत भारत में निवेश विनिर्माण को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं। उनसे मुलाकात करने वाले सीईओ ने भारत को विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बताया है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टानियो अमोन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद वॉशिंगटन में संवाददाताओं से कहा कि सेमीकंडक्टर्स के लिए एक बहुत ही लचीला आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने बनाने की आवश्यकता के कारण हमारा मानना है कि भारत विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य हो सकता है। 26 सितंबर तक दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ इलाके में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में भी बारिश की पूरी संभावना है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान करवाए गए। शाम को 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखे गए। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान हुआ। इसी बीच औरंगाबाद जिले में मतदान के दौरान पथराव की घटना घटी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अपनी पहली व्यक्तिगत और द्विपक्षीय बैठक के लिए एक साथ आएंगे। वहीं देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी इस मीटिंग से पहले जो बाइडेन को ट्वीट के जरिए एक संदेश दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि पीएम मोदी के साथ हमारे मसलों पर भी चर्चा करें। 2 हफ्ते पहले लखीमपुर खीरी में नेपाल से भटक कर आए करीब 15 हाथी अब इस क्षेत्र में कहर बरपा रहे हैं। झुंड ने पहले ही कई एकड़ में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया है। यहां तक कि एक मंदिर के द्वार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। संभागीय वन अधिकारी समीर कुमार ने कहा कि झुंड में हाथी के 2 बच्चे सहित लगभग 15 हाथी शामिल है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल के अंदर अपनी जान को खतरा होने का आशंका जताई है। मुख्तार ने गुरुवार को बाराबंकी में एमपी विधायक विशेष अदालत में वर्चुअल उपस्थिति के दौरान अपना डर व्यक्त किया। मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने संवाददाताओं से कहा कि अंसारी ने विशेष अदालत को बताया कि उन्हें जहर दी जा सकती है। कोविशील्ड को मान्यता नहीं देने वाले देशों की आलोचना। घाना के राष्ट्रपति नाना एडो
डंकवा अकूफो एडो ने यात्रियों के लिए भारत में निर्मित कोविड 19 रोधी टीके कोविशील्ड को यूरोप के कुछ देशों से मान्यता नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा कि ये आव्रजन नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में टीकों का सहारा लेना वास्तव में प्रतिगामी कदम होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय सेवा योजना को एक दूरदर्शी योजना बताते हुए कहा कि कोविड 19 के शुरुआती प्रकोप के समय से इसके स्वयंसेवकों ने वृहद स्तर पर जागरूकता के प्रसार तथा राहत गतिविधियों से जिला प्रशासन की मदद की। शुक्रवार को राष्ट्रपति ने डिजिटल माध्यम से जुड़कर ये बात कही है। देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ। शुक्रवार दोपहर को यहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की जान चली गई है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में शूटआउट हुआ और हमलावरों को भी धराशाही कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय ने आज शुक्रवार को 56 सैन्य परिवहन विमानों के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। रक्षा मंत्रालय एयरबस रक्षा अंतरिक्ष स्पेन ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 विमानों की खरीद के लिए करार कर लिया है। इसके तहत एयरबस की ओर से वायुसेना के 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सप्लाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द बाबा केदारनाथ के दर्शन को जा सकते हैं। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पीएम मोदी के 10 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड के केदारनाथ जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री के दौरे की संभावित तारीख 6 अक्टूबर मानी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना को लेकर केंद्र को घेरा है। मायावती ने केंद्र सरकार के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। मायावती की प्रतिक्रिया तबाही है, जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। भारतीय कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड को इटली ने भी मान्यता दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उनके इतलावी समकक्ष रॉबर्ट सिम्पराजा के बीच विदेश मंत्रालय के लगातार प्रयासों के साथ एक बैठक के परिणाम स्वरूप इटली ने भारत की कोविशील्ड को मान्यता दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि वो अगले 3 से 4 महीने में कार के इंजन में बदलाव को लेकर आदेश जारी करेंगे। इसके तहत सभी वाहन निर्माताओं को फ्लेक्स इंजन यानी कि वैकल्पिक ईंधन वाले इंजन के वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेशन का ऐलान किया गया, जिसमें सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेटफ्लिक्स की फिल्म सीरीज मैन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए और कॉमेडियन वीरदास को भी नॉमिनेट किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं का पाकिस्तान प्रेम कोतूहल का विषय है। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रांत के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने पाकिस्तानी प्रेम को उजागर करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर बाजवा को पंजाबी भाई और नवजोत सिंह सिद्धू को दोस्त बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार देर रात हुई बैठक में पंजाब कैबिनेट विस्तार के लिए प्रस्तावित नामों की सूची को अपनी मंजूरी दे दी है। कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है, लेकिन यह पूरी तरह से नया नहीं होगा। इस सभी पृष्ठभूमि के लोगों को चेन्नई कैबिनेट में सेवा देने का मौका दिया जाएगा। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल का लंबी बीमारी के बाद बीते दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो 70 साल के थे। वो दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में रह रहे थे। ज्ञात हो एक वक्त था जब डडवाल जिस वक्त दिल्ली पुलिस के प्रमुख थे, उस वक्त दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत होने में एक महीने से भी कम वक्त बचा है। IPL में खेल रहे खिलाड़ियों की व्यस्तता को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइजी को पत्र लिखा है। BCCI ने फ्रेंचाइजी से अनुरोध करते हुए कहा कि T20 विश्व कप को देखते हुए वर्ल्ड कप टीम में शामिल खिलाड़ियों को कुछ मैचों में आराम दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के कोरोना वायरस लॉकडाउन से अनलॉक के चरण 7 के छूट की घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार की घोषणा अनलॉक 6 के समाप्त होने के एक दिन पहले हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पहले से घोषित सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। छात्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करने के लिए डिजिटल शिक्षा ढांचे का नया पैटर्न क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा में अधिक से अधिक समावेश लाना, डिजिटल विषमता को पाटते हुए वंचितों तक पहुँचाना है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,382 नए मामले सामने आए हैं, जो कल यानी 23 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुकाबले 1.7% कम है। वहीं रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोटिवेशन फैक्ट्स, मंतोष कुमार, दीपेंद्र कुमार, संजीव कुमार, सोमेश्वर जी के, सोनम सिंह, राजेश सोंधियाल, शादाब सखलानी, लाली सिंह, चंचल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आने वाले समय में डिजिटल शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए या नहीं? अपने ये जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।